शांत हो जाइए। देखिए कल कहां तक उसने लोग सवाल लगा लिए थे पहले, आठवां क्वेश्चन हो गया था, नौवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर नौ किस प्रश्नावली का ही, प्रश्नावली 5.2 चल रहा है ना। देखिए किसी का नौवां सवाल, क्वेश्चन नंबर नौ देखिए 5.2 के जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आपके 4 नंबर में या 2 नंबर में, ठीक है, या 6 नंबर में ऐसे ही बनेंगे, उससे नीचे नहीं बनने वाले। तो मन से हमें लोग को देखना, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवे पद क्रमशः 4 और -8 तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी एपी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 तो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद इसका शून्य होगा। देखिए बच्चों ध्यान से, हम मान ले रहे हैं कि उस एपी का एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। उस एपी का एनवा पद शून्य। अच्छा आपको पता है तीसरा पद क्या होता है बच्चों, सॉल्व कर रहे हैं, A3 होता है ना, तीसरा पद कितना रखा है 4, तो तीसरे पद को लिख सकते हैं A+K 2D = समीकरण नंबर 5, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। इसका नौवां पद कितना रखा है -8, यानी A+K या ऐसे लिख लो पहले A9 = कितना रखा है -8, A9 को लिख सकते हैं A+K 8D = -K8 समीकरण नंबर। यहां से बच्चों हम पहले ए और डी का मान निकाल लें, हमें कह रहा है कौन सा पद शून्य है, माना एनवा पद An = क्या है शून्य, एनवा पद शून्य। एनवा पद को लिख सकते हैं बच्चों An को A+K N-1 × B लिख सकते कि लिख सकते ना, यानी कैसे भी करके हमें आपको ए का मान मालूम हो जाए और डी का मान मालूम, चले पूरा काम बन जाएगा, हो जाए कि नहीं हो जाएगा। देखिए हम क्या कर देते हैं, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट बच्चों A+8D = -K8 और A+2D = 4, प्लस से क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो गया कट गया, 8 रुपया में से आप 2 रुपया खाली कितना बचेगा 6 रुपया, 6D = 8 × 4 = 12, भाई माइनस का मतलब बताए थे कर्जा, आप किसी का 8 रुपया कर्जा है, 4 रुपया कर्जा और ले लिए, कितने रुपये कर्जा हो गए 12, 6×6 = 12, D = कितना आ गया -K, इस D का मान चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए वो चाहे सेकंड में, देखिए क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, फर्स्ट में सेकंड में
सही फर्स्ट में आपको पता है एक प्लस टू डी बराबर चार, एक प्लस टू बी का मान बच्चो माइनस दो बराबर दोगुना ए माइनस के चार बराबर ये माइनस नहीं तो है प्लस ए बराबर चार प्लस चार ए बराबर कितना गया आठ आठ। ए का मान मालूम चल गया, किसका मान मालूम चल गया डी का मान मालूम चल गया, किसका मान निकालना हमें एन का मान निकालना है। यानी हमने क्या माना एनवा पद क्या है हमारा शून्य है, तो जहाँ पे एन है वहां क्या लिखेंगे जीरो, तो जीरो बराबर ए का मान आठ प्लस के एन माइनस वन, डी का मान माइनस दो, ये प्लस मतलब क्या हो जाएगा बच्चों माइनस के आठ बराबर दो एक के दो, माइनस के दो एन माइनस माइनस प्लस के दो, प्लस में इधर क्या हो जाएगा तो माइनस के आठ माइनस के दो बराबर माइनस के दो एन, आठ दो माइनस दस बराबर माइनस के दो एन, माइनस से माइनस कट गया दो एक के दो पंचे एन बराबर पांच, यानी पांचवा पद आपका क्या होगा शून्य होगा। आया बस शून्य में कि नहीं आया, किसी को डाउट नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से, दसवां क्वेश्चन जो है कह रहा है कि किसी एपी का सत्रहवां पद उसके दसवें पद से कितना अधिक है, सात अधिक है। कह रहा है कि किसी एपी का कौन सा सत्रहवां पद उसके दसवें पद से कितना अधिक है, सात अधिक है। ठीक, तो इसका क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है, तो क्या निकालना है सर्वांतर निकालना, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है बच्चों, आप अपना सत्रहवां पद जो है वो दसवें पद से कितना अधिक सात अधिक है, यानी ए दस जो है वो बराबर होगा सत्रहवां पद ना दसवें पद से अधिक है, यानी ए सत्रह बराबर होगा ए दस प्लस के सात, यानी सत्रहवां पद जो है दसवें पद से सात अधिक है, दसवें पद को सात अधिक करोगे तब जाकर सत्रह पद के बराबर आएगा। ठीक, यानी ए सत्रह को लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस के कितना सोलह डी बराबर ए दस को ए प्लस के नौ डी प्लस के बाबू प्लस के प्लस कट गया क्योंकि इधर आएगा क्या हो जाएगा एक प्लस में कर तो सोलह डी माइनस के नौ डी बराबर सात, सोलह में से नौ निकल जाएगा सात, तो सात डी बराबर सात, सात एक के सात एक के डी बराबर एक, सर्वांतर कितना आ गया एक आ गया। आया समझ में कि नहीं आया। इसी प्रकार से इसका देखिए ग्यारहवां सवाल कह रहा है कि कोई एपी है, कोई एपी जो है तीन कामा पंद्रह कामा सत्ताईस कामा उनतालीस उनतालीस डॉट डॉट का कौन सा पद का कौन सा पद चौवनवे पद से कितना 132 अधिक है, यानी किस समांतर श्रेणी को दिया होगा इस डाटा करके, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद होगा तो चौवनवे पद से 132 अधिक है। मान लेते हैं एनवा पद चौवनवे पद से 132 अधिक है, माना
माना एनवा पद, एनवा पद जो है आपके 54 पद से कितना 132 अधिक है। माना 54वां पद क्या है, एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। बच्चों ए एन बराबर होगा ए 54 प्लस 132 ठीक। इसी समांतर श्रेणी का है, दूसरा समांतर श्रेणी का है। बच्चों ए एन को लिख सकते हैं क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 54 को ए प्लस के 53 डी प्लस के 132। अच्छा बताइए समांतर श्रेणी यही तो था, इसमें प्रथम पद है ए बराबर 3 और डी बराबर समांतर कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 12 का। ए और डी का मान निकालो है, एन का मान हमें निकालना है, कुछ नहीं करेंगे। रखिए ए का मान 3 प्लस के एन माइनस वन डी का मान 12 बराबर ए का मान 3 प्लस के 53 गुणे 12 प्लस के 132। बाबलू हल नहीं कर पाओगे, अब बताइए हल करके किसका मान निकालना है, एन का मान नहीं हो पाएगा। अरे भाई इसको सब जोड़ लेना, उड़ा करके हिसाब करके इसको प्लस उधर भेज देना, फिर बारह काट देना, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा तो लगा लीजिएगा, ना हो पाए होता ही बता दे, हो जाएगा। देखिए जो आपका 12वां सवाल दे रखा है, अच्छा मान लीजिए कि आज हमारे और आपके बीच में अंतर 100 रुपए का है, ठीक, या हमारे और आपके आयु का अंतर आज 100 का है, 10 साल बाद अंतर कितने रहेगा, उतने ही रहेगा, दो समांतर श्रेणियां श्रेणियों का सार्वांतर क्या है, समान है, इनका सार्वांतर यानी डी केवल समान है, ए नहीं समान है, प्रथम पद समान है, इनका सार्वांतर सबका समान है। जैसे मान लो इसे एक आ गया 1 2 3 5 ऐसे आ रहा, इनमें कितने कितने का अंतर है, 2 4 6 8 इनमें कितने कितने का अंतर है, यानी ये वाला अंतर समान है, श्रेणी नहीं समान है, अंतर केवल समान है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, ठीक। देखिए बच्चों पहला समांतर श्रेणी मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट कहां तक, A1000 ले जा रहे हैं, ठीक। और दूसरा समांतर श्रेणी के मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट A1000, ठीक है। दो समांतर श्रेणी का इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, मतलब इसका 100वां पद इसका 100वां पद देखा जाए, यानी ए 100 अंतर ए 100, 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, ठीक। ए 100 को लिख सकते हैं ए प्लस के 99 बी अंतर यानी माइनस, ठीक। किसको लिख सकते हैं ए प्लस 99 बराबर 100, ठीक बाबूलोग, हमने कहा ए अलग अलग सबका सार्वांतर समान है, ठीक। तो ए प्लस के 99 डी
ये पोस्टर के पहले प्लस का चिन्ह बंद क्यों हो जाता है? प्लस से क्या माइनस प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस के ए और ये प्लस से क्या हो जाएगा? 99 डी बराबर 100 भाग लो प्लस माइनस क्या हो गया, यानी ए माइनस ए बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? आपको निकालना क्या है, हजारे पदों का अंतर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए 100 लिए थे तो ऐसे ए 1000 माइनस ए 1000 बराबर क्या होगा ना? ठीक, देखिए ए 1000 को लिख सकते हैं कि ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी। बच्चों तो ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी प्लस माइनस कट गया, क्या आ गया? ए माइनस ए, और ए माइनस ए का मान कितना होता है? 100। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 100, यानी इनके हजारवें पदों का अंतर भी कितना आएगा? 100 आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? आसान है कि नहीं आसान? नोट कर लीजिए। चलिए देखा जाए, पचहत्तर हवा क्वेश्चन। देखिए अगर 13 आपको आ गया तो 14 अपने आप आ जाएगा। कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? कह रहा क्वेश्चन कि 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 7 से क्या है? विभाज्य है। ठीक, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य? अच्छा, 3 अंक स्टार्ट कहां से होता है? 100 से स्टार्ट होता है ना? तो पहले देखते हैं, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो जाए, लास्ट पॉइंट पता हो जाए, आराम से पूरा प्रॉब्लम हमारा क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। देखिए स्टार्टिंग होता है 100, 100 तो कटेगा नहीं 7 से, और 100 से शुरुआत होता कहां तक जाता है? 3 अंक 900। ठीक, 100 7 से कटेगा नहीं, 101 नहीं कटेगा, 102 कटेगा। अरे भाई 7 × 7 कितना बच गया? 3 कहां कटेगा? 103 कटेगा नहीं कटेगा, 104 105 104 कटेगा नहीं कटेगा, 105 कट जाएगा। 35 देखो 7 × 7 बचे, यानी एक पहला संख्या कौन है? 105। 7 से जब विभाज्य है तो कितने का अंतर जाएगा सब में? 7 का अंतर जाएगा। दूसरा होगा 112 डॉट डॉट, अंतिम पद कौन है? 999 है, 999 चेक करते, 999 तो कटेगा नहीं, 998 चेक कीजिए, 7 × 1 कितना बच गया? 2, 7 × 4 = 28 कितना बच गया? 1 कहां कटेगा? नहीं कटेगा। 996 = 97 कितना कट जाएगा? नहीं कटेगा। 996 कटेगा नहीं कटेगा। 994 कटेगा? कट जाएगा। देखो 7 × 1 कितना बच गया? 7 × 4 = 7 कटेगा। लास्ट पर कितना आया? 994 आया कि नहीं आया? बताइए, किसी को डाउट है? 3 अंकों वाले ना, तो 7 से कटे कर उन्हें संख्याओं को जोड़ना है, कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली, कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो जा रही है, कट जा रही है। तो पहला संख्या 705, दूसरा 712, ऐसे कितने कितने 112, पहले 105 दूसरा 112 कहां जा रहा है? 900। ठीक, तो बच्चों ए बराबर कितना आया? 105। डी बराबर सर्वांतर 7 से जब विभाजित तो अंतर कितना का आएगा? एन आपको नहीं पता है, पता है कितनी संख्या वही हमें निकालना है,
लेकिन अंतिम पद एम कितना पता है? 994। ठीक तो बच्चों आपने पढ़ रखा एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान 994 बराबर 105 प्लस के एन माइनस वन डी का मान, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा तो 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस वन इंटू सेवन घटाइए 889। सही है 889। सही घटाया ना? सही है। हाँ सात एक के सात एन माइनस के सात, ये मार्च दर क्या हो जाएगा तो 899 प्लस के सात बराबर सात एन जोड़ो 9 7 16 के 6 8 1 9 896 बराबर सात एन। सात एक के सात एक के एक बच गया सात गुना कितना बचा सात अठे छप्पन यानी एन बराबर कितना गया तो तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से भाग जाए 128 संख्याएं होंगी जो सात से भाग जाएंगी। आया समझ में कि नहीं आया? नोट कर लीजिए। देखिए चौदहवां सवाल देखिए बच्चों, कह रहा है कि 10 और 150 के बीच में सर 250 के बीच में चार के कितने गुणक, किसके किसके बीच में 10 और 250 के बीच में कितने चार के कितने गुणक जो है गुणज है एक चार से कितने संख्या कटने वाले हैं। देखिए 10 तो कटेगा नहीं चार से कटेगा, जब 10 नहीं कटेगा तो कटेगा कौन 11 नहीं कटेगा 12 12 12 4 16 16 4 20 ऐसे डाट डाट जाएगा लास्ट 250 ना 250 तो कटेगा नहीं ये कट जाएगा 248 कट जाएगा देखो 4 6 24 4 9 8 लास्ट संख्या कितना होगा 248। बच्चों प्रथम पद पता है अंतिम पद पता है सारांतर पता है क्या निकालना है n यानी a बराबर 12 d बराबर 4 n बराबर नहीं पता है लेकिन अंतिम पद 248 और आपने पढ़ रखा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d 248 बराबर ए का मान 12 प्लस के एन माइनस वन एनटी का मान 4 नहीं हल कर पाओगे कर लीजिएगा ठीक बाकी सवाल है बाकी।